कई बार ऐसा होता है कि जब हम नए कंप्यूटर का सेटअप करते हैं, कनेक्शन करते हैं, तो जो स्क्रीन होता है, सीपीयू से कनेक्शन होता है, तो उसमें प्रॉपरली व्यू नहीं आता है। कई बार स्क्रीन झिलमिलाहट आने लगता है स्क्रीन में, या स्क्रीन का जो आप देख सकते हैं या फिगर है वो यहाँ से कट जा रहा है। तो नया सेटअप करने के बाद ऐसा प्रॉब्लम आता है, स्क्रीन कटा कटा दिखता है। तो ये प्रॉब्लम का सोल्यूशन आप कैसे करेंगे? तो सबसे पहले मैं आपको ये क्लियर बता दूँ कि अगर नया आप कंप्यूटर इंस्टॉल करते हैं तो सीपीयू से जो मॉनिटर में आउटपुट निकलता है उसका सेटिंग पहले किया जाता है फर्स्ट टाइम। तो उसके लिए आप यहाँ देख सकते हैं, किसी भी कंपनी का अगर मॉनिटर आप यूज़ कर रहे हैं तो उसके नीचे साइड में यहाँ पे कुछ बटन्स दिए होते हैं जिससे आप इस सेटिंग को कर सकते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं इसमें लगभग 4-5 बटन है, इसके पीछे साइड आपको बटन दिख जाएंगे, यहाँ आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे एक ऑटो का बटन दिया हुआ होता है, यहाँ पे आप देख रहे हैं ऑटो का बटन आपको दिख रहा है। तो इस ऑटो के बटन को प्रेस करने से आपका ये जो प्रॉब्लम है, ये जो स्क्रीन कटने का प्रॉब्लम है, वो सॉल्व हो जाता है। आप देख सकते हैं हमारा स्क्रीन अच्छे से अच्छी तरह मॉनिटर में एडजस्ट हो चुका है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं आप। स्क्रीन झिलमिलाहट अगर हो रहा है आपके कंप्यूटर में तो उससे भी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। अगर उसके बाद भी नहीं होता है तो यहाँ सीपीयू में आप देख सकते हैं एक कनेक्शन होता है जो कि सीपीयू से मॉनिटर में आता है। तो इसको आप बढ़िया से कनेक्शन कर ले टाइट से, या इसका केबल को आप बदल भी सकते हैं सीपीयू वाले को मॉनिटर में, या मॉनिटर वाले को सीपीयू में लगा के चेक कर सकते हैं। तो स्क्रीन झिलमिलाने का प्रॉब्लम यहाँ से सॉल्व हो जाएगा।